किसान के बेटे ने हवा से बिजली बनाने वाला जनरेटर बनाया। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर छाता क्षेत्र के गांव गड़ी जड्डी के रहने वाले उदयवीर ने अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा घरेलू जनरेटर तैयार किया है जो हवा से बिजली बनाता है। स्थानीय लोग इसे नया आविष्कार माने। इसकी लागत करीब 1.5 लाख रुपए है। उदयवीर का दावा है कि इस जनरेटर से पूरे घर की विद्युत आपूर्ति हो रही है। एसी भी चलाया जा सकता है। इस मशीन को नाम दिया है उदय भास्कर इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन। उदयवीर का कहना है कि अगर उसे मदद मिल जाए तो डीजल और पेट्रोल वाले जनरेटर समाप्त हो सकते हैं, प्रदूषण की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। उदयवीर ने बताया कि उसके पिता किसानी के साथ गांव के ट्रैक्टर को ठीक किया करते थे। मैं उन्हें इस काम को करता हुआ देखता रहता था। एक दिन मैं और मेरी पत्नी खेत पर गए। खेत पर गेहूँ काटने के बाद जब हम लोग घर वापस आए तो देखा बिजली नहीं है, इन्वर्टर भी डाउन है। मैंने पापा के काम को अपने दिमाग में पहले ही बैठा रखा था। उसी को देखते हुए मैंने एक छोटी सी मशीन पर काम करना शुरू किया। 2010 में मैंने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। 8 साल 7 महीने की मेहनत के बाद मैंने एक ऐसी मशीन तैयार कर दी जिसे बिना पानी के सिर्फ हवा से बिजली बनाई जा सकती है। मैं इस मशीन से अपने पूरे घर में बिजली आपूर्ति कर रहा हूँ। उदयवीर ने बताया कि मशीन में 4 बैटरी लगी हुई है। इनकी क्षमता 12 वोल्ट 9 एम्पियर है। डीसी से मोटर, मोटर से राउटर, राउटर से अल्टरनेटर में हवा की सप्लाई होती है और जैसे ही ऑक्सीजन बनने लगती है वैसे बिजली का बनना शुरू हो जाता है। पूरे दिन में एक व्यक्ति जितनी ऑक्सीजन लेता है उतनी मशीन ऑक्सीजन अपने अंदर लेती है। लगातार इससे बिजली बनाई जाती है। किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। हीटर, पंखा, कूलर, फ्रिज सब चलता है। एसी भी चला है। किसी प्रकार कोई प्रदूषण इससे नहीं होता है। दबीन ने बताया कि इस मशीन को बनाने में करीब 1,50,000 रुपए का खर्च आया। इस प्रोजेक्ट पर काम करते करते उदयवीर की पैर की नसें ब्लॉक हो गई। 2015 में इनका पैर डॉक्टर को काटना पड़ा। इनकी मदद जान पहचान के लोग या रिश्तेदार कर रहे हैं। उदयवीर अपने गांव से करीब 5 साल पहले छाता आ गए थे। तब से लेकर आज तक किराए के मकान में रहकर अपना जीवन यापन सगे संबंधियों के ऊपर निर्भर रहकर कर रहे हैं। उदयवीर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है। यूपी सरकार को बताया, कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया है जो कि बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट बनाया है। सभी के लिए बहुत ही अच्छा है ये। ना इसमें डीजल है, ना पेट्रोल है, ना कोई प्रदूषण है। क्या है ये प्रोजेक्ट इन्होंने जो बनाया है? इंजन, ये इलेक्ट्रिक इंजन बनाया है। क्या काम करता है ये? बिजली का सारा काम करेगा। ट्यूबवेल का, चक्की का, गाड़ी का, बाइक का, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब काम करेगा। बिना बिजली के, बिना पानी के बिजली बनाएगा। बिना पानी के बिजली बनाएगा, एयर हवा से बनाएगा। सरकार से कोई मदद नहीं मिली है? सरकार से कोई मदद नहीं मिली अभी तक। क्या अपील करते हैं सरकार से? अपील यही करते हैं आगे से आगे बढ़े और बड़े पैमाने से आए जनता के लिए और देश के लिए। ये सब बिना पानी, बिना डीजल और बिना ईंधन के चलता है। क्या है ऐसा इस प्रोजेक्ट में और ये क्या काम में आता है? ये पानी भी चलाएगा हमारा किसानों का और ये लाइट भी देगा घर के लिए और ये जो वाहन है हमारे मोटरसाइकिल है वाहन भी चलेंगे इससे। तो आप मानते हैं कि जो जिस तरह से इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है वो आगे चल के एक कारगर साबित होगा देश के लिए? बहुत बड़ा साबित होगा। इससे बहुत जनता को लाभ मिलेगा और बहुत बड़ी बचत होगी। ये सर इलेक्ट्रॉनिक इंजन है। किस काम आता है ये? जो है कोई भी काम कर सकते हैं इससे। जुताई भी कर सकते हैं, भराई भी कर सकते हैं और अपना बिजली भी चला सकते हैं बिना डीजल, बिना पेट्रोल। बिजली कैसे इससे उत्पन्न कर सकते हैं? ये जैसे कि बैटरी से जो है राउंड बना के और रोटर घुमाते हैं, रोटर ऑल्टरनेटर घुमाता है जब बिजली पैदा होती है तो बिजली में से इसकी बैटरी को चार्जिंग दे दी जाती है 25% और बाकी 75% आप एनर्जी एक्स्ट्रा यूजिंग ले सकते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि आपको इस तरह की मशीन एक बनानी है? ये आइडिया सर ऐसा हुआ कि एक बार जो है हम अपने खेत पर गए थे काम करने के लिए, गेहूँ कट रहे थे। अब वो गेहूँ कट रहे थे तो जो है गांव में तो तुम जानते हैं बिजली आती है कभी नहीं आती है, तो जो है इन्वर्टर रहते हैं। अब बिजली आती है तो इन्वर्टर चार्ज रहते हैं और बैटरी, वो बिजली नहीं आती है तो इन्वर्टर भी खो जाते हैं। अब हम काम करके खेत से एक दिन लौटे तो जो है मच्छर उच्छर बहुत ज़्यादा और गर्मी विशेष और जो है काम करके सारे दिन के थके हुए और आए हम और रात को हमको 11-12 बज गए और नींद आने रही है और परेशानी बहुत बड़ी अटक रही हमसे। तो हमने बोला कि यार इन्वर्टर है लेकिन ये वीक है। तो मैंने सोचा कि गाड़ी में और ट्रैक्टरों में ये ओल्ड बैटरी चार्ज होती है, उस ऑल्टरनेटर से इस बैटरी के लिए एक ऐसी व्यवस्था पकड़ी जाए जिससे कि बिजली आ ना आ लेकिन हमारा इन्वर्टर वीक नहीं हो। तो
ये आप मानते हैं कि बिना बिजली जो पानी बनाई जाती है पानी से, ये बिना पानी के बिजली उत्पन्न हो सकती है? बिना पानी के बिजली, ये ऑक्सीजन से। तो कितना आपको इसमें खर्चा आया बनाने में और कितना समय इसको बनाने में आपको? सर इसमें कम से कम टाइम मान लो आप जो है 2010 से अब तक मैं चल रहा हूँ इसमें, और जो है कुछ जो शरीर है जो हुआ टूट फूट वो अलग है, और पैसा करे नहीं तो 1.25 करोड़ मेरा घर का होगा, कम से कम इतना ही पैसा मैंने बाहर से फील्ड से उठाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना पैसा आपको लगा है? कम से कम समझो आप जो है 2 करोड़ 2.25 करोड़ के हिसाब बताओ इस प्रोजेक्ट को बनाने में 2010 से और अब तक, और अपना भी खर्चा है जो भी है। तो आपने इस प्रोजेक्ट को लेकर किसी मंत्री से मिले क्या? हाँ, हमें मिला था ऊर्जा मंत्री जी से, श्रीकांत शर्मा जी से, और उनके पास गया तो जो है वो बोले कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई। हाँ भाई सर, ये बात तो आपकी सही है, जो आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ये भी मैंने वो जो है भेजे थे, आज मेरे पास रसीद हैं, सब प्रूफ हैं जो है। लेकिन जब तुम्हें पैरों पे भी खड़ा था तो जो है कोई रिस्पांस नहीं मिला मुझे, तो मैं हार के मन की यार कुछ नहीं है, इतना बड़ा चीज़ है हमारे जो है दिमाग में और ये लोग सोचते नहीं, अब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो हार के फिर हम 1 साल के लिए जो है पैर कट गया, फिर इसको ढील दे दी। अब जाके पामों पर फिर दोबारा से खड़े हुए, फिर जो है और सहयोग लिया है जैसे रिश्तेदारों का और भाई बंधनों का, उस तरीके से फिर जो है अब आप अपने घर की जो बिजली है वो इसी से जलाते हैं? हाँ जी, इसी से 24 घंटा चलेगी। इससे कोई प्रदूषण होता है? नहीं, कोई नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, नहीं होता। कोई प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण नहीं, कोई वो साइलेंट नहीं। तो ये मान लिया जाए कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ये प्रदूषण मुक्त है? हाँ जी, प्रदूषण मुक्त। क्या अपील करते हैं सरकार से आप? सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करते हैं कि जो है जो हमारे पास जो ये टेक्नोलॉजी है जो प्रोजेक्ट, इसको इस जनता के जो है बीच में बड़े तरीके से लाया जाए, जिससे कि हमारा देश का इतना वो हो सके, एक क्रांति आ सके, जिससे कि कोई पॉल्यूशन नहीं और देख लो बिल्कुल एकदम साइलेंट ये चीज़ है जो है। हमने बड़ी मेहनत के साथ इसको जो है वो किया है। तो आप मानते हैं सरकार अगर आपकी मदद करती है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में तो ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में देश के लिए कारगर साबित होगा? हाँ जी, बहुत हाई पैमाने पे जो है इतना लाभ होगा कि उसका कोई जवाब नहीं होगा। पेट्रोल नहीं, कोई प्रदूषण नहीं इससे।